हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आई हूँ आपके लिए हाई प्रोटीन हाई फाइबर पावर पैक्ड ब्रेकफास्ट रेसिपी जो बनेगी बेसन से। तो हम सब जानते हैं बेसन के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो डायबिटिक्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मील ऑप्शन होता है। तो आप इस रेसिपी को देखिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं मेरे अमेजिंग बेसन सैंडविच। इस बोल में मैं ले रही हूँ बेसन, ऑलमोस्ट 6 चम्मच बेसन मैंने इसमें डाला है। और इसमें डालूंगी अब मैं 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच डालूंगी मैं इसमें हल्दी पाउडर। इसे अच्छे से करूंगी मिक्स। आप चाहो तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बस अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका बैटर बनाऊंगी। पानी एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो इसके अंदर लम्स आ जाएंगे, तो बस पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें। तो ये देखिए इसका एक पतला और लम्प फ्री बैटर बिल्कुल बन के तैयार है, ये देखिए। अब इस बैटर को बनाएंगे थोड़ा सा टेस्टी। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज और थोड़ा सा टमाटर। इस स्टेज पे आप एक बार ये नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो एडजस्ट कर लेना। चलिए हमारा बैटर रेडी है, अब चलते हैं पैन की तरफ। इस तवे पे मैं डाल रही हूँ ऑयल, इसे बढ़िया से स्प्रेड कर लूंगी। और इस बैटर में अब मैं डालूंगी 1 स्लाइस ब्रेड, तो ये ब्रेड इसके अंदर डिप करेंगे। और इसे मैं डाल दूंगी पैन पे। ऐसे ही मैं दूसरा स्लाइस भी डिप कर लूंगी। यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगी, अगर आपकी ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होगी सॉफ्ट होगी तो वो इसके अंदर टूट सकती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ब्रेड को थोड़ी देर बाहर छोड़ दें और फिर यूज़ करें, या फिर आप अगर ब्रेड टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसन से वो जुड़ जाएगी। ये जो प्याज टमाटर का मसाला है ये मैं स्प्रेड कर दूंगी इस ब्रेड के ऊपर। आप इसमें अगर कुछ और वेजीज भी डालना चाहते हो तो आप इसमें डाल सकते हो, और अगर आप कुछ और ट्राई करो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने इसमें क्या डाला। इस पर थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ और अब इसे आराम से पकने देंगे। इनफैक्ट ये जो साइडों में तेल है इसको भी आप हटा के थोड़ा नीचे कर सकते हो ताकि नीचे की साइड अच्छे से पक जाए। चलिए तो ये सिक गया है, इसको एक बार मैं चेक कर लेती हूँ और इसको बहुत ही लाइट हैंड से पलट लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर का ये बढ़िया से सिक गया। दूसरा वाला पीस भी हमारा ऑलमोस्ट सिक गया है तो मैं इसे भी टर्न कर लेती हूँ। ये सैंडविच आप एज इट इज़ भी खा सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने वाली हूँ और इसके ऊपर ये मैं धनिया पुदीने की चटनी लगाने वाली हूँ। तो ये चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ मैं लगाऊँगी इसके ऊपर 1 चीज़ स्लाइस, मोज़रेला चीज़ डालना है तो वो डाल सकते हो, चीज़ स्लाइस जाएगा इसके ऊपर। और अब ये ब्रेड जो हमने सेका था साइड, वो वाला साइड मैं अंदर कर दूंगी। बेसन को पकने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो इतने कम तेल में अगर हम कर रहे हैं तो इसे पकने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट, बहुत ही टेस्टी बनता है। बस हमें इसे ऐसे ही उलट पलट कर दोनों साइड से सेकना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। गैस की फ्लेम करती हूँ बंद
और इसे अब मैं निकालूंगी एक प्लेट पे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट को अपने डाइट का हिस्सा बनाइए और इसके खूब सारे हेल्थ बेनिफिट्स लीजिए। खुद भी खाइए, फैमिली को खिलाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्दी आऊँगी अपनी अगली धमाकेदार रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।